इस चैनल पे दिखाई गई जो भी चीज़ अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप खुद ओनर से डिटेल्स कंफर्म करो या खुद वहाँ जाके ख़रीदो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आगे जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अभी है हम लोग PNS एग्रो पर और हम लोग आज दिखाने वाले हैं बकरों में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, लाइक ये ग्रूमिंग्स आइटम है, ज़रूरत की चीज़ नहीं बोलेंगे इसको, ये ग्रूमिंग्स आइटम है। सो बात करेंगे हम लोग नदीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं DMPSC के लिए। सो आज के इस वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है? आज के इस वीडियो में स्पेशल तो आप देख रहे हो टेबल जी, और आपने भर दियो टेबल माशाल्लाह। जैसे आपने कहा ग्रूमिंग आइटम है, हाँ, तो ये जैसे जैसे बकरे बड़े होते हैं और वजनदार होते हैं या खूबसूरत होते हैं, तो ये सारी चीजें उनके यूजेस होती है। हाँ, हाँ। किसी किसी को जैसे जैसे हम लोग वॉचेस पहनते हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो ये बकरों पर बेल्ट, हाँ, जो घुंघरू है, लॉक है, ओके, और वैरायटीज वाले जो बेल्ट है, अलग अलग जो ग्रूमिंग आइटम है, ये सारी चीजें मैंने आपको टेबल पे बताई है। माशाल्लाह, एक से एक वैरायटी है। जैसे बॉडी बेल्ट हो गया, हाँ, बेसिकली जो जानवर को सिंग नहीं होती है, हाँ, उनको बॉडी बेल्ट यूज किया जाता है, तो वो उनके लिए है। जी। और अलग अलग वैरायटीज के बेल्ट है, लॉक बेल्ट है, जैसे आप देखोगे ये बॉडी बेल्ट अलग है, थोड़ा ये फेस बेल्ट है ना, ये फेस बेल्ट है, ये बॉडी बेल्ट है। अच्छा, तो अलग अलग आइटम सब अलग अलग आइटम है। Okay. या आप रेगुलर बेल्ट्स में है, थोड़ी अच्छी वैरायटी का है, दिखने में शो अच्छा आता है, शो अच्छा आता है। जैसे बड़े बकरे हैं 70-80 किलो के, तो जी, उनके लिए ये बेल्ट्स है। हाँ। छोटे बकरे हैं तो ये बेल्ट्स है। ओके। थोड़े मीडियम साइज के बकरे 50-60 किलो के, तो ये बेल्ट्स है। नॉर्मल बेसिक बेल्ट्स है ये, बेसिक थोड़ा अट्रैक्टिव बेल्ट ये है, ये बॉडी बेल्ट है, ये फेस बेल्ट है। ओके। और ये क्या आइटम है? ये भी रस्सी टाइप से, जैसे मतलब नायलॉन की रस्सी लेते हैं तो बेटर है कि हम थोड़ा अच्छा दिखने में अच्छी है, फैंसी है, क्वालिटी भी जबरदस्त है, लॉक भी आया है इसके अंदर। तो नॉर्मल रस्सी से थोड़ा कि अच्छा भी दिखेगा, अच्छी भी दिखेगी और लुक और लास्ट लॉन्ग लास्टिंग है। जी जी। सही एक आइटम है। इसके अलावा ये भी बेल्ट देख सकते हो, इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है दो बेल्ट एक साथ रखा हुआ है, एक साथ जैसे। हां, थोड़ा हैवी भी है, हैवी भी है और थोड़ा मल्टी कलर बेल्ट है। जी। अट्रैक्टिव है थोड़ा सा माशाल्लाह, ये डबल कलर में तो दिखने में अच्छा आ रहा है। जी। और थोड़ा अच्छा है, थोड़ा मस्त माशाल्लाह। एक ये हो गया, इसमें एक ये कलर भी है, ब्लैक और रेड, ब्लैक एंड रेड है। जी। कस्टमर बहुत डिमांड है कि ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी चीज बनाओ। जी जी। तो ये ब्लैक रेड कॉम्बिनेशन है माशाल्लाह, इसकी थिकनेस आप देख सकते हो। हाँ, बहुत अच्छी, मतलब अच्छी साइज में भी है और बड़ो बकरों को पहनने में अच्छा भी लगेगा, ऑलमोस्ट देख सकते हो अभी तक। हाँ जी, इसकी पैलेट हो, ऐसा लग रहा है कि दो बेल्ट को साथ में कम्बाइन किया हुआ है। जी। तो ये बड़ी साइज का बेल्ट है। जी। इसके अलावा एक नई चीज दिख रही है, ये बेल्ट, ये लेग बेल्ट है नायलॉन में, चाहिए वाला, जिसके बकरों बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव होते हैं ना। हाँ, हाँ। उनके लिए लेग बेल्ट भी है। ओके। और ये वाला ना, ये लेग बेल्ट है जी, लेदर में, इसमें नायलॉन में भी आता है, ये नायलॉन में है। अच्छा, कॉस्टिंग उसकी कम होगी ना? जी, ये नायलॉन की कॉस्टिंग कम है, थोड़ा एक्सपेंसिव है ये। ओके। ये भी रोप है, जैसे मैंने बताया रस्सी, उसी तरह का एक रोप है, जैसे घोड़े वगैरह में यूज होता है ना। हाँ, हाँ। उसमें के थोड़े बकरे के लिए हमने, गोट्स के लिए बनाया है। जी। थोड़ी हैवी मटेरियल है। हाँ। लेकिन ये भी एक रस्सी है, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी कलर दिखने में अच्छा है। जी, ये लॉक भी अच्छा है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। हाँ, मोल्डिंग वगैरह इसमें बहुत अच्छी हुई है। तो ये एक चीज हो गई। इसके अलावा ब्रश है, क्लीनिंग ब्रश। ओके। बदन साफ करने के लिए, इसे साफ सफाई रखने के लिए अच्छा है, रखने के लिए ब्रश, ये हाथ रखने के लिए भी रखा हुआ है, बिल्कुल ग्रिप के लिए अच्छा है, ग्रिप के लिए, फिर क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये ब्रश हो गया। और ये क्या आइटम है? ये बेल्ट ही है, लेकिन हाँ। इसको आप बोलोगे थोड़ा ये ब्रिसलेट बेल्ट बोलेंगे। हाँ, मतलब लोगों को चैन और बेल्ट पहनाने का दोनों शौक है, तो दोनों साथ में पहना दो, कोई बोलता चैन चाहिए, कोई बोलता बेल्ट चाहिए, तो ये दोनों साथ में हो गए। ये भी दिखने में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लगती है, फास्ट मूविंग आइटम भी है हमारे इधर की। जी। क्योंकि जिनको चेन और बेल्ट दोनों चाहिए रहता है वो, और ज्यादा हैवी नहीं है ना, जैसे बकरे के गले में प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ओके। अच्छा, उसमें अगर थोड़ा वो चाहिए छोटा चाहिए तो छोटा भी आपने रखा है? दोनों अवेलेबल है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है छोटे का, अभी न्यू लॉन्च हुआ है वो। अच्छा, तो ये चेन प्लस बेल्ट है। जी। इसमें हम लोग जो है छोटा भी दिखा देंगे, तो ये छोटी साइज, मतलब वैरायटी बहुत सारी है बेल्ट की आपके पास, बहुत है, ये भी न्यू लॉन्च है देखो। हाँ, ये प्रिकॉशन बेल्ट तो नहीं है? नहीं, प्रिकॉशन बेल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बकरा नजदीक नहीं आएगा, बकरे पर एग्रेसिव होता है उस पर ज्यादा भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये बहुत छोटे बकरों के लिए, छोटे बकरों के लिए, और जी इतना वो नहीं है, नुकसान देह नहीं है ऐसा लग रहा है। हाँ, लगने में खाली फैंसी टाइप बनाया है जी। सो ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब लुक वाइज सब अच्छे बेल्ट है माशाल्लाह। एक ये हो गया, और फिर क्या चीज है? फिर लॉक्स देख सकते हो हमारे पास, आप लॉक है सब तरीके के, छोटे साइज से लेके बड़े भी है, फिर डबल रिंग लॉक है, बड़े साइज में डबल रिंग लॉक है। ओके।
फिर ये हुक लॉक है, ये नया है ना, ये नया वाला हुक लॉक है माशाल्लाह। तो ऑल टाइप्स के लॉक है, सब लॉक है, वो घुंघरू है। ये कहाँ पैर में पहनाने के घुंघरू, ये घुंघरू हो गया। उसके अलावा चैन अलग से भी है ना, जैसे दूसरे चैन भी है, गोल्ड चैन भी है और नॉर्मल चैन भी, सिल्वर चैन भी है। ओके, इसके अंदर लॉक भी है, दिखा लीजिए एक बार। ये थोड़ी बड़ी साइज का है जी। ओके, जैसी साइज आपको चाहिए वैसा आप इसको कर सकते हो। हाँ, तो अगर किसी को सिर्फ चैन चाहिए तो चैन पहना सकते हो, इससे जाड़ी चैन भी आएगी आपको, थोड़ा हैवी में जैसा आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। अच्छा, कहीं भी ऐसा लगा के रखना है वगैरह, लगा के रखना तो आप लॉक कर सकते हो। ओके, सो ये प्रॉपर चैन है। तो ये टोटल आइटम्स हो गए, इसके अलावा कुछ एक बच गए प्रोडक्ट्स, जैसे कि ये घुंघरू वाले जी, घुंघरू बेल्ट। ये ईद वाला आइटम ज़्यादा स्पेशल है, ईद स्पेशल है, ईद स्पेशल है, स्पेशल पीन है भाई। हाँ, जो बकराईद में जो ये चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है, हाँ ये इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से कंप्लेंट्स नहीं आएगी, आपको अच्छे रिजनेबल प्राइस में सारी चीज़ें, हाँ इस बार दिल खोल के आप अपने बकरों को पहना सकते हैं। बट एक चीज़ ये भी है कि जैसे ये बेल्ट पहना देते हैं तो 20,000 का बकरा 30,000 हो जाता है। नहीं तो वो बकरे वाले के ऊपर है कि वो ये बेल्ट पहनाने के बाद उसको 30, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग बोलते हैं कि समझे पहना दिए ना तो प्राइस बढ़ जाती है इसकी। हाँ, लेकिन वैसा बकरा भी होना चाहिए जो प्राइसिंग करे। लोग आजकल बेल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, फोकस। और एक सबसे स्पेशल आइटम ये वाला है, ये जी काफी फेमस है, बड़े बकरों को में पहनाया जाता है। हाँ, बेल्ट बोलते हैं। हाँ, बेल्ट। हाँ, तो ये भी आपने अवेलेबल कर दिया है जी। सो कंप्लीट प्रोडक्ट जो है बेल्ट से रिलेटेड आपने आपको पीएनएस में मिल जाएगा, है ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीज बेल्ट से रिलेटेड आपको सब चीज मिलेगी। देखिए लास्ट ये बता दीजिए वाला, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। ये तो एकदम ज्यादा हैवी, मतलब बड़े बकरों के लिए, बड़े बकरों के लिए जो ऑलमोस्ट 100-120 किलो पे है। हाँ, और उस पे भी उस पे अच्छा भी लगेगा ये जी। इसकी साइज भी बहुत बड़ी है, देख सकते हैं आप। तो ये सब प्रोडक्ट्स है। अभी हम लोग बात करेंगे इनके बुकिंग के बारे में जी। जैसे इसमें से अगर किसी को कोई भी चीज लेना हो तो कांटेक्ट कैसे करना पड़ेगा आपको? बुकिंग प्रोसेस बहुत इजी है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिया जा रहा है 8291492129। आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपका एड्रेस और नाम। ओके, आप और जो चीज़ आप बुक करना चाहते हो इसमें से, जो भी बेल्ट आपको पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दीजिए। ओके, उसकी प्राइसिंग आपको मिल जाएगी विद कुरियर और विदाउट कुरियर दोनों। ओके, जैसे आप अगर प्राइसिंग डन करते हो तो आपको बिल आएगा जी। हमारी टीम आपको बिल व्हाट्सएप करेगी, अकाउंट नंबर व्हाट्सएप करेगी। ओके, जैसे आप अकाउंट पेमेंट में डालते हो विद इन नेक्स्ट डे आपका माल इंशाल्लाह कुरियर या ट्रांसपोर्ट जो भी फैसिलिटी आपके यहाँ अवेलेबल है आपको। अच्छा, सो मोस्टली तो ये आइटम्स जो है कुरियर से आ जाना चाहिए, है ना? छोटे मोटे आइटम है। सो अगर इनके किसी को भी कोई भी चीज़ बुकिंग करना है तो आप लोग जो है अभी बुक कर सकते हो जी, क्योंकि इसमें से कोई चीज स्टॉक में होता है या फिर नहीं भी होता है। खुर नाइफ भी है। हाँ, एक दो चीज पेंडिंग रह गई है, पेंडिंग रह गई है, खुर नाइफ है जी और खुर कटर है। ओके, आप देख सकते हो। तो ये भी जैसा ये भी आता है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, खुर नाखून काटना वगैरह है तो किसी को खुद कलर देना। घर पर और फार्म पे ये सारी चीजें रखता है। इवन अगर लोग बोलते हैं कि हमें खुर कटर आता है काटने के लिए, फिर भी अर्जेंसी में हमको ये सारी चीजें यूज होती है। हाँ, जब हम खुद भी एक आध बकरी को देखते हैं तो हम कट करके उसको सीख जाते हैं, छील लेते हैं, सीख जाते हैं। हाँ, क्वांटिटी में बकरे तो ऑब्वियसली जो कर नहीं पाएगा हर कोई, बिल्कुल, उसके लिए खुर कटर वाला ही आगे करता है। लेकिन बेसिकली 2-4 बकरों के लिए तो हमको ये यूज में आएगा, कभी भी इमरजेंसी में लगा तो यूज कर सकते हैं। इसके नाखून बड़े ज्यादा चल नहीं पा रहे तो काट दिए तो वो चलने प्रॉपर हो गया जी। तो ये सब चीजें हैं, इनके किसी को भी कोई भी चीज लेना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम।